हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका टारगेट फॉर आईक्यू पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। आर्टिकल है 368 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही कंसाइस वो में इसको बात करेंगे, बहुत ही संक्षिप्त रूप से इसकी बात करने वाले हैं। 368 आप लोग जानते हैं जो संविधान संशोधन है वो संविधान के भाग 20 में है। क्लियर है? भाग 20 में है और इसको क्या कहा जाता है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमारे संविधान में वैसे तो कई प्रकार के बिल्स होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं। एक तो हमारा मनी बिल है, मनी बिल है, मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 में है। एक आपका फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल वन, फाइनेंशियल बिल वन, वो हमारा आर्टिकल 117 एक में है। हमारा फाइनेंशियल बिल टू है, फाइनेंशियल बिल टू। हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 117 तीन में। हम लोग जो है बात करते हैं संशोधन विधेयक की या अमेंडमेंट बिल की, अमेंडमेंट बिल की। और अमेंडमेंट बिल जो है हमारा 368 में है। वैसे तो एक ऑर्डिनरी बिल भी होता है, एक साधारण विधेयक भी होता है, ठीक है ना, वो बात बाद में करेंगे। लेकिन हम लोग आज पढ़ रहे हैं अमेंडमेंट बिल के बारे में, 368 के बारे में। अमेंडमेंट बिल जो है, पहले तो आप लोग ध्यान रखोगे, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। पहला पॉइंट, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। सदन में पेश किया जा सकता है, आप लोग इतना याद रखोगे, संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा। बात क्लियर है? मनी बिल की तरह नहीं है कि मनी बिल को केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, ठीक है जी। फाइनेंशियल बिल वन वो भी केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, लेकिन 368 लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कहीं भी पेश कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इसे कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, कोई भी। क्लियर है? याद रखोगे, मतलब सरकारी या गैर सरकारी। बात क्लियर है ना? सरकारी या गैर सरकारी, सिंपल वे में मंत्री, गैर मंत्री, गैर मंत्री, ठीक है जी। तो इसे मंत्री पेश कर सकता है, गैर मंत्री पेश कर सकता है। मतलब क्या इसका, कि जो संसद में, संसद जब लोग चुनाव हो जाते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, तो उनके बीच में से कुछ मंत्री बना लिए जाते हैं। जो मंत्री होंगे उन्हें तो बोलेंगे सरकारी, और जो सांसद होंगे नॉर्मल, जो मंत्री नहीं होंगे, उन्हें बोलेंगे गैर सरकारी। बात क्लियर है? मनी बिल में तो क्या है, मनी बिल में तो क्या, लोकसभा में मंत्री ही पेश कर सकता है, ठीक है ना। तो मनी बिल, क्योंकि जब किसी बिल को मंत्री पेश करता है उसे हम सरकारी विधेयक कहते हैं, ठीक है ना, इसलिए, बिकॉज मंत्री को सरकारी सदस्य कहा जाता है, इतना याद रखोगे। तो 368 की बात कर रहा हूं, किसी भी हाउस में पेश कर लो, कोई मंत्री हो या ना हो, कोई भी पेश कर सकता है। मनी बिल की तरह नहीं है कि केवल लोकसभा में केवल मंत्री ही पेश कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं। मतलब मनी बिल में क्या होता है, मनी बिल में जब भी पेश करा जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी, राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत नहीं है लेने की। लोकसभा राज्यसभा कहीं भी पेश कर लो, कोई भी पेश कर सकता है, मंत्री या गैर मंत्री। बात क्लियर है? तीन पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अब चलिए मैं चलता हूं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ये जो है, मतलब ये जो बिल है, मनी बिल, ये आपको याद रखना है, संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होगा। मतलब दोनों सदनों से अलग अलग पारित होगा, मतलब अलग अलग पारित होगा, ध्यान रखोगे। और अलग अलग पारित होगा तो सिंपल सी बात है, संयुक्त बैठक नहीं आ सकती। क्लियर है ना भाई? मनी बिल में भी संयुक्त बैठक नहीं आ सकती। दो ही बिल ऐसे हैं, केवल दो ही बिल ऐसे हैं
जिनमें संयुक्त बैठक नहीं आ सकती, बात क्लियर है ना, ज्वाइंट सेशन नहीं आ सकता। 108 में अगर किसी बिल पर लोकसभा राज्यसभा के बीच गतिरोध हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है संयुक्त बैठक बुलाने का, सीधी सी बात है। लेकिन मनी बिल में जब साफ साफ बोल रखा है कि लोकसभा से अलग पास होगा, राज्यसभा से अलग पास होगा, तो ज्वाइंट सेशन नहीं आ सकता, याद रखोगे, बात क्लियर ना। वैसे तो मनी बिल दो ही बिल ऐसे, मनी बिल और 368 अमेंडमेंट बिल, जिनमें ज्वाइंट सेशन नहीं आता। एक चीज और बता दूं, अगर मामला संघीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, संघीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है तो दोनों सदनों का विशेष बहुमत तो चाहिए, साथ में आधे राज्यों का साधारण बहुमत भी चाहिए। अगर मतलब दो विशेष बहुमत से तो लोकसभा से राज्यसभा से पास होगा ही होगा, फिर आधे राज्यों का, मान लिया 28 राज्य है, उनमें से 15 राज्यों का, सही जी, 28 में तो मान लिया 14 राज्यों का क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा राज्य विधानमंडलों से, मतलब वहां की विधानसभा विधान परिषद से। वो संघीय व्यवस्था में कौन कौन आएगा भाई, 368 में खुद बदलाव करना हो या फिर सातवीं अनुसूची में बदलाव करना हो या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई बदलाव करना हो या फिर राष्ट्रपति की प्रक्रिया में चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया में कोई बदलाव करना हो या फिर जीएसटी में कोई बदलाव करना हो या फिर संसद में प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव करना हो। फॉर एग्जाम्पल प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है भाई, देखो संघीय व्यवस्था क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन को लेकर समझ लीजिए आप। 368 में सेंटर भी भाग ले रहा है और स्टेट भाग ले, तो 368 में खुद बदलाव करना है। जीएसटी सेंटर स्टेट के बीच में, तो उसमें बदलाव करना हो। राष्ट्रपति में चुनाव में लोग विधायक भाग लेते हैं, सांसद भाग लेते हैं, उनकी प्रक्रिया में बदलाव करना हो। सुप्रीम कोर्ट है और राज्यों में हाई कोर्ट है, उनमें कुछ बदलाव करना हो। सेवन शेड्यूल में केंद्र और राज्यों के सेंटर स्टेट के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, उसमें कोई बदलाव करना हो। और संसद में प्रतिनिधित्व, राज्यों के जो लोकसभा में सीटें, किस राज्य कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश कितनी सीटें, उनमें कोई बदलाव करना हो। तो अगर मामला संघीय व्यवस्था से रिलेटेड है तो विशेष बहुमत तो दोनों सदनों का चाहिए, आधे राज्यों का सदन बहुमत से ही पास होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी, चलिए जी आगे बढ़ता हूं। अब इसका जो पांचवा पॉइंट है, अगर पास हो जाता है ये बिल, अगर पास हो जाता है, मान लीजिए विशेष बहुमत से पास हो गया और अगर मामला संघीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है तो आधे राज्यों से भी पास हो जाता है, तो भैया राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा, और याद रखोगे राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है, बाध्य। यही अमेंडमेंट है 24वां संशोधन 1971। राष्ट्रपति को अपनी अप्रूवल देनी ही देनी होगी, किस अमेंडमेंट से, मतलब कोई वीटो पावर नहीं है, मतलब तो यही है ना, कोई वीटो पावर नहीं है इस पर, ठीक है जी। राष्ट्रपति के पास तीन वीटो पावर होती है, या तो मतलब संसद को लौटा दिया इस बिना पे लोकसभा राज्यसभा को कि ये जल्दबाजी में पास हुआ है, या फिर रिकंसिडरेशन के लौटा दिया पुनर्विचार के लिए, जो अगर जल्दबाजी में पास करा उन्होंने लौटा दिया, या फिर नया मंत्रिमंडल आकर कह रहा है कि राष्ट्रपति को किसे पास करने से मना कर, मतलब रोक देता है, तो उसे बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंस है राष्ट्रपति को, एक पुनर्विचार हेतु लौटा देना, रिकंसिडरेशन के लिए निलंबनकारी, सही जी, उसे बोलते सॉरी जो पहली है, मतलब जो पहली वाली है जिसमें वो जल्दबाजी पारित कर दिया, नया मंत्रिमंडल आकर मना करा, तो एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंत वीटो, पुनर्विचार हेतु लौटा दिया, दोबारा तुमने जल्दबाजी पारित कर दिया, तुम इसे दोबारा विचार करो इस पर, उसे बोलते हैं सस्पेंसिव। और एक होता है पॉकेट वीटो, मनी बिल पर केवल उनके पास, राष्ट्रपति के पास सस्पेंसिव नहीं होती, पुनर्विचार हेतु लौटाने वाली नहीं होती, एब्सोल्यूट होती है, पॉकेट होती है। लेकिन जो 368 है उसमें कोई वीटो नहीं होती, कैसी वीटो नहीं होती, यही मनी बिल के इंपोर्टेंट प्रोविजंस है। बात समझ में आ गई होगी, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कर सकते हैं हमें और पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी हमारा कोर्स कर देना तो हमारे ऑफिशियल नंबर पर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस पर फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो कैसी लग रही है शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।